अब दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ये देखो पूरा इसका डैशबोर्ड ओपन कर लिया गया है। अभी तक के जो इसका इंटीरियर था वो पूरा एज ग्रे कलर का था। ये देखो इसकी फिनिशिंग चेक करो आप तो पहले, पूरा यहाँ से चेक कर सकते हो। इंटीरियर का काम हमने पूरा अभी आधा हो चुका है, डैशबोर्ड वगैरह फिटिंग डैशबोर्ड वगैरह की बची हुई है। तो 2-1 में इसका व्हील कवर इंस्टॉल किया है हम लोगों ने भाई। ये रिफ्लेक्टर इस गाड़ी में हम लोगों ने इंस्टॉल किया है। तो ये जो इसका डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड पे ये सिलाई चेक करो भाई आप, और इसकी फिटिंग देखो आप। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में, जहां बात करेंगे भाई क्रेटा गाड़ी के बारे में। अगर क्रेटा गाड़ी की बात करें तो इसमें पूरा इंटीरियर का काम कर रहे हैं हम लोग अभी, ठीक है। इसमें सीट कवर वगैरह सारे सब कुछ मेन काम इसमें बचा हुआ था इंटीरियर। अगर काम की अगर बात करें तो देख सकते हो भोपाल सीट कवर एंड कार डेकोरेशन, जो कि बैतूल में, ठीक है। अच्छे से याद रखना भाई, बैतूल में, भोपाल में नहीं है, बैतूल में, ठीक है। भोपाल की कॉलिंग बिल्कुल ना करें, बैतूल की कॉलिंग करें। अब दिखाता हूं मैं आप लोगों को, ये देखो पूरा इसका डैशबोर्ड ओपन कर लिया गया है। स्टेयरिंग कवर देखो अभी नॉर्मल सा स्टीच है, ठीक है। ये पूरे इसके जो पिलर है ना, पिलर वगैरह सब कुछ ओपन है। ये हमने इसका सीट कवर फिट कर दिया है, ये देखो बकेट वाला फुल जो होता है ये इसमें फिट कर दिया गया है, ठीक है। अब इसमें पूरा इंटीरियर का काम हो रहा है ना, इसलिए पूरे डोर पैनल वगैरह चारों। इधर से दिखाता हूँ मैं, ये पीछे से दिखाता हूँ मैं आप लोग, ये देखो सब कुछ ओपन है भाई, ठीक है। अब ये देखो इसका एज ग्रे कलर का, ये जो अभी तक के जो इसका इंटीरियर था वो पूरा एज ग्रे कलर का था। ये पूरे डोर पैनल वगैरह पूरे ओपन है, इसमें एज ग्रे कलर का इंटीरियर था। अब दिखाता हूँ इसके पीसेस तैयार कैसे हुए, इसकी एक्चुअली फिनिशिंग देखना आप लोग। ये देखो, देख रहे हो, तो भाई ये इसकी फिनिशिंग है ना। आपको मैं दिखाता हूँ इसके और भी पैनल दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखो, तो ये इंटीरियर का पूरा काम क्रेटा गाड़ी में हो रहा है। कैमरे के पीछे था, अभी आगे इसलिए आ गया कि मेरे भांजा आ गया थोड़ा शूट करने के लिए, इसलिए मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखो इसकी फिनिशिंग चेक करो आप तो पहले। अगर आसपास से होंगे ना बैतूल ज़िले के, कहीं होशंगाबाद, इटारसी या नागपुर साइड से कहीं से भी आप होंगे आसपास से, तो ये फिनिशिंग चेक कर लो। मुझे भोपाल सीट कर सही है ना। अभी दिखाता हूँ मैं, और मैं दिखाता हूँ चीज़ें जो मैंने फिट कर दी है, वैसे काम चल रहा है, मतलब जो मैंने चीज़ें फिटे कर दी वो दिखा। ये देखो एक डोर पैनल, अब भांजे इनको डोर पैनल की वो फिनिशिंग चेक कराओ आप। ये देखो स्टिच दिखाई, ये देखो ये स्टिच चेक करना भाई अच्छे से, है ना। ये काम है अपना, मैंने सीट कवर इसमें इंस्टॉल करे थे, कुल बकेट वाला है। स्टीयरिंग इधर डैशबोर्ड देखो पूरा अभी ओपन है, वो उधर का भी मैंने डोर दिखा दो उनको, वो भी हो गया, पीछे का भी हो गया, साथ में पैनल देख सकते हो, ये साइड पैनल देखो, ठीक है। ये इसमें कंप्लीट कर, और भी इसमें मॉडिफिकेशन की हुई है। अभी क्या गाड़ी पूरी खड़ी है भांजे, इधर अंदर की ओर में पूरी गाड़ी खड़ी है। वैसे इसमें हमने ये जो लगाई है गार्निश की फिटिंग दिखाई उनको, 0-0 वाली दिखाई, ऐसा नहीं 650 रुपये वाली लगा दी भाई, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करता हूँ मैं। मेरे तरफ से जितना अच्छा और बेस्ट काम हो जाए वो देने की कोशिश करता हूँ मैं। ये इंस्टॉल किया इस गाड़ी में, ठीक है। अभी दिखाता हूँ पीछे, यहाँ रिफ्लेक्टर इंस्टॉल है इस गाड़ी में। आप यहाँ जो पीछे है ना, इस पर रिफ्लेक्टर भी इंस्टॉल किया हुआ है हम लोगों ने, ये नाइट में काफ़ी अच्छा लगता है ना। और मैं बैक में दिखाता हूँ कि यहाँ पर एक डिक्की पट्टी ये इंस्टॉल किया हुआ है अलग से, जो हम लोगों ने लगाया है। और पहले पूरे एज ग्रे कलर की गाड़ी थी, तो पूरा यहाँ से चेक कर सकते हो। इंटीरियर का काम हमने पूरा अभी आधा हो चुका है, डैशबोर्ड वगैरह फिटिंग डैशबोर्ड वगैरह की बची हुई है, ठीक है। तो ये सारे काम है, तो गाड़ी में मतलब पूरा काम होने देता हूँ, पूरा फिटिंग होने देता हूँ, उसके बाद ही दिखाऊंगा एक बार मैं आप लोगों को। गाड़ी का जितना भी मॉडिफिकेशन होना था वो सारा कम्प्लीट हो चुका है। मैं आप लोगों को सारी चीज़ें एक एक करके पूरी चेक करवाऊंगा। मैं फ्रंट में देख सकते हो इसकी ग्रिल पूरी चेंज कर दी गई है हम लोगों ने, तो इसमें हम लोगों ने फ्रंट में ग्रिल इंस्टॉल की हुई है, ठीक है। साइड व्यू देख सकते हो, कुछ ऐसा देखने के लिए मिल जाएगा, साइड व्यू में भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। पहली चीज़ की अगर बात करें तो 2-1 में इसका व्हील कवर इंस्टॉल किया है हम लोगों ने, ये देख सकते हो आप। अंदर ब्लैक पेंट किया हुआ है, उसके ऊपर ये व्हील कवर इंस्टॉल किए हुए है ना। अब साइड व्यू की अगर बात करें तो भाई ये डोर वाइजर और ये जो रूफ रेल है ये पहले से ही भैया इंस्टॉल करा के आए थे। अभी दिखाता हूँ मैं, हम लोगों ने इसमें जो पूरी कंप्लीट OEM वाली जो गार्निश होती है, ये देखो आप, ये इसमें इंस्टॉल है। नीचे में देखो साइड बिडिंग ये इंस्टॉल किया है हमने इसमें, ठीक है। डोर गार्ड जो छोटा सा सेफ्टी के लिए होता है ये इसमें इंस्टॉल किया हुआ है ना। और इसमें जो सबसे अच्छी बात है भाई, मैं पीछे से एक बार आप लोगों को चेक कराता हूँ, पीछे भी हमने इसमें वर्क किया है। ये जो रिफ्लेक्टर होता है ना, ये रिफ्लेक्टर इंस्टॉल है, और ये जो ये डिक्की पट्टी जो बोलते हैं वो इंस्टॉल किया हुआ है। अब इसका मैं रिफ्लेक्टर चेक कराता हूँ आप लोगों को एक बारी। भाई
भाई ये रिफ्लेक्टर इस गाड़ी में हम लोगों ने इंस्टॉल किया है, ये तीन चीजों पर वर्क करता है, एक पार्किंग, एक ब्रेक और एक इंडिकेटर। ये देख सकते हो डायरेक्ट मैं आप लोगों को चेक करा रहा हूँ, तो ये हम लोगों ने इसमें वर्क किया हुआ है। अब मैं अंदर दिखाता हूँ आप लोगों को, पीछे से अपन इंटीरियर की शुरुआत करेंगे। ये देखो इसमें हमने सबसे अच्छी चीज जो की है ना भाई, जो इसका इंटीरियर किया हुआ है, इंटीरियर की फिटिंग फिनिशिंग देख सकते हो आप लोग किस लेवल का काम हुआ है। ये पीछे का रहने वाला है, अभी फ्रंट एक एक डोर चेक कराता हूँ मैं आप लोगों को। ये इसका फ्रंट डोर रहने वाला है भाई, पूरा टेन कलर में इंटीरियर किया हुआ है। ठीक है, सेकेंड डोर दिखाता हूँ मैं। ये देखो इसका सेकेंड डोर। अब आगे से मैं तुम्हें उधर से दोनों डोर और चेक करवाता हूँ। देखिए ये डोर रहने वाला है इसका, ड्राइवर साइड का डोर चेक कर लो। देखिए ये देखो भाई, यहीं से मैं चाहूंगा पीछे की फिटिंग भी दिखा दो आप एक बारी, सीट कवर की फिटिंग चेक कर लो भाई, टेन कलर में पूरा कंप्लीट है। ठीक है, अब अंदर की बात करेंगे तो भाई अंदर देख सकते हो आप लोग, ये जो इसका डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड पे ये सिलाई चेक करो भाई आप, और इसकी फिटिंग देखो आप पूरी वही है। साथ में एक गत्ता भी किया है हमने, गत्ते चेक कर सकते हो। मैं चाहूँगा पीछे के भी गत्ते दिखा दो इनको, एक गत्ता ये रहने वाला है सेम टू सेम। ये देखो आप इस तरफ को भी चेक करा दो, एक फ्रंट का गत्ता रहने वाला है। अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को फ्रंट में जो इसका जो ये किया हुआ है, ये इसकी फिनिशिंग देखो आप लोग, इसके मीटर के ऊपर का जो होता है ये। और सबसे अच्छी बात भाई ये इसका जो डैशबोर्ड वो स्टेयरिंग है ना, स्टेयरिंग देखो एकदम OEM स्टिच के साथ में। ये इसका आर्मरेस्ट रहने वाला है, और ये इसकी सीट देखो फ्रंट वाली। तो जो टेन कलर का जो इंटीरियर होता है ना, वो वर्क किस तरीके का हुआ है ये देख सकते हो आप लोग, और काफ़ी मेहनत लगती है सारे कामों के लिए, और ये एक दिन का वर्क नहीं होता है भाई। अच्छा काम कराना है तो आप विदन मतलब एक या दो दिन पूरा पूरा टाइम लगता है जब ये ऐसे इस टाइप का वर्क कंप्लीट होगा। अगर ऐसा ही वर्क अगर आप लोगों को भी कराना है अपनी कार में, तो ये सारे काम हुए भाई भोपाल चिटकर कार डेकोरेशन, जो कि बैतूल शहर में है, यहाँ पर ये सारे काम हुए हैं। ठीक है, और अगर आप लोगों को भी अगर इस टाइप के काम कराना है, तो बिल्कुल आप लोग क्या है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा होगा, उस पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। व्हाट्सअप इंक्वायरी नंबर है ये, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, और जो भी जानकारी चाहिए वो भी दे देंगे हम लोग आप लोगों को। टाइम तो लगता ही है सारे अच्छे कामों के लिए, तो ये देख सकते हो। अगर आप लोगों के पास भी कोई भी कार है, कोई भी इंक्वायरी चाहिए, तो आप हमें बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो में। जय हिंद जय भारत।